करते समय धक्का लगने से हुए युवक पर जानलेवा हमला करने की वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सिविल लाइंस के 90 ml पब का लाइसेंस 2 महीनों के लिए रद्द कर दिया है। सिविल लाइन में डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय के सामने 90 ml पब है। 19 मार्च की रात मानेवाड़ा निवासी गौरव बोकड़े मित्रों के साथ पब में आया। रात 1:15 पर वह मित्रों के साथ डांस कर रहा था, तभी उसका एक युवक को धक्का लग गया। वह युवक गौरव को गालियां देने लगा। समझाने का प्रयास करने पर भी वह गौरव से विवाद करने लगा। गौरव जब पब से जाने लगा तभी युवक ने पेट में चाकू घोप कर गौरव को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। सदर पुलिस ने गौरव की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है, लेकिन 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस मामले की गंभीरता से लेकर 2 महीने के लिए इस पब का लाइसेंस निलंबित किया है। सिविल लाइन में पब कल्चर तेजी से पैर पसार रहा है। एक पब को लेकर काफी शिकायतें भी मिल रही है। पब संचालक रसूख का इस्तेमाल करके पुलिस को शांत कर देता है। इस पब से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। पुलिस आयुक्त ने थानेदारों को पब और हुक्का पार्लर में अवांछित गतिविधियां पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कई दिवसापूर्वी एक मारामारीची घटना घडली होती, त्याचबरोबर काही त्या परिसराचे काही नागरिक येऊन तिथे पब बद्दल तिथे त्यांच्याकडून होणारे वाहतूक दुर्व्यवस्था याचे वरून काही डेलिगेशन आम्हाला भेटी पडत होते। या दृष्टिकोनातून त्या पबचे FN3 परमिट लायसन्स रद्द करायसाठी अहवाल कलेक्टर ऑफिसकडे पाठवण्यात आलेली आहे। तसेच बार मालकांना बोलून योग्य प्रमाणे काउन्सिलिंग करण्यात आलेली आहे। कोणताही बार मालिक जर नियमचे लायसन्स कंडिशन्सचे आणि वेळेचे नियमची उल्लंघन करते किंवा महिलांचे सुरक्षाविषयी किंवा इतर आपत्तिजनक गोष्टी त्यांचे बारमध्ये किंवा एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये होत असतील, नागपूर शहर पुलिस अत्यंत कडक भूमिका यांच्यावर घेणार आहे। याची आम्ही पूर्वी पण कल्पना बार ओनर्सला दिली होती, आतापर्यंत परत त्यांना देण्यात आलेली आहे। बार डिसिप्लिनिंग आणि अशा प्रकारचे एस्टॅब्लिशमेंट्स वरून कोणत्याही प्रकारचे आपत्तिजनक घटना किंवा गैरकायदेशीर कृत्य होणार नाही, यासाठी या विषय आमच्यासाठी अत्यंत प्राधान्याचे विषय। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।